बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हेलो स्टूडेंट वेलकम इन माय क्लास तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा था और यहाँ पर मैं एक बात थोड़ी बताना भूल गया था कि एनर्जी गैप जो ये होता है जैसे ये फर्स्ट हम लेते हैं स्टीमुलेटेड जो केस हमारा एबजोशन वाला केस इसमें जो एनर्जी गैप है स्टूडेंट तो वो होता है ई टू माइनस ई वन ओके तो जो एनर्जी गैप होता है ए टू माइनस ई वन और जो मैंने एनर्जी गैप वही हुआ ना जैसे अब जैसे हम अगर ये वाला केस लें जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने, इस ने इसको जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी इस इलेक्ट्रॉन ने जो फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करी ये एक्साइटेड स्टेट में गया और ये फिर एक्साइटेड स्टेट से जब ये ग्राउंड स्टेट पे आया तो इसने जो एनर्जी इसको प्रोवाइड की गई उसने जो जितनी एनर्जी यूज करके वो एक्साइटेड स्टेट में गया और जो बाकी बची खुची जो एनर्जी है ठीक है ना बची खुची एनर्जी यूज करके जो उसने निकाल दी तो वही तो हमारा डेल्टा ई होगा ना ठीक है ना जो एनर्जी कुछ ई टू में यूज हो गई कुछ ई वन में यहां पर इसने खुद यूज कर ली तो जो एनर्जी बच, बच गई वो उसने रिलीज कर दी सेकेंड केस में तो इसको हम ऐसे में लिख सकते हैं ना फिर एच बार ओमेगा इक्वल टू ई टू माइनस ई वन ओके स्टूडेंट तो यहां तक हमारी बात हो गई अब हम आगे करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में तो यस yes स्टूडेंट जो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन है स्टूडेंट तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है और ये स्टिमुलेटेड एमिशन है एक्चुअली ये सेम ही होते हैं ठीक है तो इसके हम बाज़ की करते हैं ये सेम क्यों होते हैं बिकॉज़ कि जो ये हमारा एमिशन होता है ये प्रोसेस कुछ भी होता है ये होता है वैक्यूम में वैक्यूम में हमारा प्रोसेस होता है ठीक है अब वैक्यूम कोई है कोई जगह वैक्यूम है वहां पर तो क्या होता है कि वैक्यूम में कोई मैटर प्रेजेंस नहीं होता ऐसा एब्सेंस ऑफ मैटर होता है वैक्यूम में बट इसका मतलब ये नहीं कि वहां कोई एनर्जी नहीं होती वैक्यूम की एक एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम एनर्जी या फिर हम कह सकते हैं इसको बोलते हैं ज़ीरो पॉइंट एनर्जी तो अगर इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड स्टेट में है और ये एक वैक्यूम में है तो वैक्यूम के अंदर बेशक कोई मैटर प्रेजेंस नहीं होता बट यहाँ एनर्जी होती है एनर्जी कितनी होती है हम देखते हैं तो स्टूडेंट जो वो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है ज़ीरो पॉइंट एनर्जी और ये ज़ीरो पॉइंट जो एनर्जी होती है यही एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करते हैं ठीक है जीरो बन एनर्जी और एच ओमेगा एच बार ओमेगा और ये फिर ग्राउंड स्टेट में आता है ठीक है स्टूडेंट तो ये फिर ग्राउंड स्टेट में आता है तो अब ये क्या होता है स्टूडेंट जब ये ग्राउंड स्टेट में आया तो इसने एक तो अपनी जो एमिशन एनर्जी इसने रिलीज करी और ये जो ओरिजिनल जो है अपनी एनर्जी रिलीज करी बट हम इस लेजर में हम ये ये नहीं कहेंगे कि अभी हमने दो केस कर दिए क्योंकि ये स्पोन एमिशन एंड अपना स्टीमो एमिशन सेम है तो हम इसको सेम ही माने लेकिन हम अब हम पढ़ेंगे मैंने आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने के लिए कि एक्चुअली सेम ही होते हैं वैक्यूम में होते हैं तो ये थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए बाकी हम ये तीन केस ही पढ़ेंगे आगे ठीक है स्टूडेंट